हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक वेलकम बैक करता हूँ आपका करियर वाले इंस्टीट्यूट में। तो अब हम लोग फिर से उसी टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। तो आज का हम लोग जो सीखेंगे वो है दोहा छंद। दोहा क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। चलिए आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैं आपको समझाता हूँ दोहा छंद क्या होता है। बहुत ही सिंपल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। चलिए आइए। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, चौपाई की तरीके चार चरण होते हैं और पहले व तीसरे चरण में तेरह मात्राएं व दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु आते हैं। ये होता है हमारा दोहा छंद। दो लाइन की परिभाषा होती है, बहुत ही सिंपल होती है। क्या होती है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं व दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है और इसके अंत में गुरु व लघु आते हैं। चलिए इसका उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, बिल्कुल याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आते हैं उदाहरण पर, आइए व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं मैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या होता है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ये होता है उदाहरण, होता है एकदम सिंपल होता है। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये आया हमारा, ये हो गया आज हमारा, हो गया दोहा छंद। तो अगर आप सही से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हो, तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड परीक्षा में अवश्य ये क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का आता है। तो आप इस समय समझते हो एक एक नंबर कितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें आप अपने 2 नंबर इस तरीके से ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे बिल्कुल याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ाई करिएगा और जो भी अभी
इस चैनल में पहली बार आया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को पुश कर दे कि जैसे मैं कोई वीडियो नया बनाऊँ आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा।